श्री गणेशाय नमः। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा मन के कारक है। हमारे मन पर जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वो चंद्रमा की स्थिति लेकर आती है और इस वजह से चंद्रमा की पोजीशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इसके अकॉर्डिंग हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है। तो आइए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे हैं। दोस्तों, इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में 11वें भाव में है। जी हाँ, 11वां भाव यानी लाभ स्थान। लाभ स्थान में चंद्रमा के होने से आपके लिए ये दिन काफी बढ़िया रहने वाला है। आपको ये दिन लाभ जरूर दिलाएगा। इस समय में आपकी हर इच्छा हर मनोकामना पूरी हो सकती है। इस दिन सुबह से ही आप उत्साह और जोश से भरपूर रहोगे। पेंडिंग कामों को इस वक्त आप पूरा कर सकते हैं। इस दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा, टेंशन फ्री रहोगे, पॉजिटिव सोच के साथ दिन की शुरुआत करोगे। इस समय में आपको पारिवारिक सुख मिलेगा, परिवार में भी कोई बड़ी खुशी आ सकती है। यह समय निवेश करने के लिए काफी उत्तम है। इस समय में आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है। आपको इस समय में धन लाभ भी हो सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं और वो अगर पार्टनरशिप में है तो बिजनेस पार्टनरशिप में आपको अच्छा लाभ इस समय में मिल सकता है। इस समय में आपकी मैरिड लाइफ मधुर रहेगी। घर परिवार में प्यार और शांति का माहौल रहेगा। परिवार के साथ घूमने फिरने के लिए, खुशियां मनाने के लिए काफी अच्छा समय है। इस समय में आपकी लव लाइफ में रोमांटिक माहौल रहेगा। लव लाइफ के लिए दिन काफी अच्छा है। अगर भविष्य के निर्णय लेना चाहते हो या अपने प्यार का इजहार करना चाहते हो तो समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। ये समय स्टूडेंट्स के लिए भी काफी शुभ साबित होगा। पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। इस समय में चंद्रमा की कृपा आपको मिल रही है। चंद्रमा आपको एकाग्र कर रहे हैं, जिस वजह से कम समय में ज्यादा विद्या इस समय में आप ग्रहण कर पाओगे। इस समय में आप जैसे चाहोगे वैसे रिजल्ट्स भी ला सकते हो। मेहनत जारी रखना जरूरी रहेगा। नौकरी के क्षेत्र में भी आपको प्रशंसा मिलेगी। आपका किया गया काम लोगों को दिखाई देगा। इस वक्त आप अपनी पर्सनैलिटी पर ज्यादा ध्यान दोगे। इस दिन आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आप एनर्जेटिक रहोगे, स्वस्थ और मस्त रहोगे, उत्साह और जोश से भरपूर रहोगे। इस दिन का पूरा लाभ जरूर उठाएं। इस दिन आपके लिए ब्लैक कलर का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा और 8 अंक इस दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है। दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन कभी कभी हमारी पर्सनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशिफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है। इसलिए राशिफल को एक मार्गदर्शन के तौर पर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।